फूट फूट डाल दो ना। ऊपर मत लाए। बस जंगल बैबलर आराम से वीडियो बनाने दे रही है, हिल भी नहीं रही ज्यादा। हाय गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं डे टू के लिए। आज हम जाएंगे बर्ड सेंचुरी, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। हेलो, तो अब हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी। अब यहाँ से बर्ड सेंचुरी है 2.4 किलोमीटर दिखा रहा है, 5 मिनट का रास्ता है। हम भरतपुर में हैं और भरतपुर इज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, तो हम वहीं पहुंच गए हैं। और यहाँ बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज हैं, बहुत ही सुंदर। तो हम रिक्शा करके जाएंगे, चलो। तो फ्रेंड्स, सेंचुरी में घूमने के लिए आपको रिक्शा मिलता है और साइकिल भी मिलती है। और सेंचुरी की एंट्री फीस है 120 पर हेड फॉर इंडियंस, एंड फॉर नॉन इंडियंस इट इज़ 740 पर हेड। और रिक्शे का और गाइड का चार्ज ही फिक्स है। रिक्शे का चार्ज है 150 रुपीज़ पर आवर और गाइड का चार्ज है 250 रुपीज़ पर आवर। तो हमने गाइड हायर किया था जिनका नाम है बनाय सिंह। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको गाइड करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत सारी हाइट बर्ड्स आपको दिख नहीं पाएंगी। पीकॉक एंट्री में, पीकॉक दिख गया। चल भैया, चल चल आगे। धूप में तो चाहे साइबेरियन क्रेन खड़ी हो ना, तो मत रुकिए भैया। 1 किलोमीटर से 3 भागों में बटा हुआ, एक तो वेटलैंड, दूसरा ड्राईलैंड, तीसरा सवाना ग्रासलैंड। अच्छा, हमारे यहाँ करीब 580 प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है। अच्छा, वेजिटेशन का मतलब ये जो घास फूल की वनस्पति है। ओके, इसको वेजिटेशन कहते हैं। ओके ओके, और वो 580 प्रकार का वेजिटेशन ही बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। और बर्ड्स कहाँ से आती है? साइबेरिया से। यहाँ बर्ड्स साइबेरिया, चाइना, मंगोलिया, रशिया। अच्छा, और चाइना से आते हैं वो, सिर्फ विंटर पास करने के लिए आते हैं। ओके, यहाँ करीब बर्ड्स 375 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। अच्छा, जिसमें से यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन था साइबेरियन क्रेन, हाँ, जो दुनिया से ख़त्म हो गया। अच्छा, उसका लास्ट विजिट 2002 रहा। ओहो, जैसे सूरज ऊपर चलता है। और बेस्ट सीजन क्या है यहाँ पे आने का? बेस्ट सीजन है यहाँ का अक्टूबर से लेके मार्च तक। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑल ओवर इंडिया की वाइल्ड लाइफ के लिए जो बेस्ट मंथ है वो है फरवरी। अच्छा, कहीं पे भी जाएंगे आप, बहुत अच्छा आपको वेदर अच्छा होगा तो बर्ड्स भी आएंगे। बर्ड्स बर्ड्स और एनिमल्स की एक्टिविटी होती है फरवरी के महीने। अच्छा अच्छा, है ना। पकड़ो, नहीं करना आपको। कौन सा है? ग्रीन बी ईटर। अब पेड़ में टेलीस्कोप से देखते टेलीस्कोप से। हाँ, उसको बना दो। मेरे पक्षियों की तलाश में आए हैं, तो गाइड बता रहे हैं कि हमको सुबह आना चाहिए जल्दी। हाउल चिल्लाओ मत, उड़ जाएंगे। चुप रहो, ऊपर देखो ना पगलू पेड़ पर, ये बैठे हैं दो दिखे कहाँ है? दिखे बेटा,
लॉग। आ जाओ परी, ये लो चश्मा लगाओ। अभी आप नोएडा रहते हैं? नोएडा रहते हैं, नोएडा का है। कभी तो आप थोड़े हैं। देखो ये कितने 100 सालों पुराने। दो दो हैं, तीन नहीं, तीन नहीं बेटा, बहुत सारे। एक दो तीन चार, अंदर भी हैं। एक उधर आ रहा है, देखो बहुत सारे। बेटा भी को खाने को आ रहा है। बैठो, आओ बैठो। देखो कितने ये 500-500 साल दो 300 साल तो मिनिमम होते हैं। कोई बहुत बड़े यार। कैसे लगा आपको टर्टल? आपने देखा है तो बड़ा टर्टल 500 ईयर्स का है। दूर दूर डाल दो ना। ऊपर ऊपर मत लाए, बस 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 चला रहे। मैं नीचे दे दो उस दूर वाले को। चलो बोलो। हम आज यहाँ पर जलू आएगा और मंकीज और बर्ड्स और टर्टल जरूर देखिएगा। और आपको जिस टैक्सी में जाना है आप उस टैक्सी में जाएंगे। चलो बाय। और फेस इधर है, ठीक है, इधर देख रहा है। वो टेनी पे चिपक के बैठा है, उसको वो बर्ड है, देखो उसको। इस आपको तो बड़ा दिखेगा, ऐसे फेस है ना, यही से दिख रहा है साफ-साफ। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू सी इट, विदाउट गॉड यू कांट सी इट। वी फाउंड आउट दीज बर्ड्स, दीज टाइप ऑफ बर्ड्स एवरीवेयर इन इंडिया। इसको बंद मत करना, पीछे जाओ थोड़ा सा ताकि लगे कि हम इस चीज से दिखा रखा है। हाँ ये बस, अब आप चाह के बंद कर दो। जो आपने वो दिखाया था ना दूसरा वाला बर्ड, वो अब मेरे सामने उड़ के गया। क्या नाम था उसका? पर्पल हेरन। अभी दिखाता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है लैंडस्केप। पानी देखो कितना दूर दूर तक है। देखो कोई बात मैंने बंद। वो देखो दूसरा पेड़ पूरा भरा पड़ा है। There are lots of birds. इनका नाम है Thank you.
देखो यहाँ पे भी एक बर्ड है। ये बर्ड यही रहता है या फिर कहीं बाहर से आता है? बाहर से आते हैं, ये ब्रीड करने के लिए। जंगल बैबलर, जंगल बैबलर पूरा वीडियो बनाने दे रही है, हिल भी नहीं रही ज्यादा। वाह, हिल गई तो वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड? गो गो, नीचे रुक जाओ। अम्मू भी हमारी टीम में आ गया है। अब हम अम्मू, अनु और मैं, हम एक रिक्शे में जा रहे हैं। अम्मू कुछ बोलो, तुम्हें पसंद आया? टर्टल, मंकी, बर्ड, कुछ तो बताओ क्या क्या तुमने देखा। ये भी वही है, ये इसका दूसरा नाम है, एशियन ओपन बिल। अच्छा, ये है एशियन ओपन बिल। इसमें तो वो भी बैठे हैं, पेंटेड वाले। पेंटेड इसमें गुजर। अच्छा, बच्चे चिल्ला रहे हैं, इतना खाना मांग रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेटलैंड ये ना तो आवाज ही निकल रही है। वीडियो बना लो ना, वीडियो बनाओ, आवाज भी आ जाएगी। शांत रहना, चिल्ला रहे हैं, फूड मांग रहे हैं। क्लियर कट आवाज आ रही है बच्चों की। आनू, आनू। वो कितने कितने दिन बैठे रहते हैं? एक शॉट। दिस इज कॉल्ड एशियन ओपन बिल नेस्टिंग इन केवलादेव। कैन सी द बेबीज। लुक एट दिस। हैं? इधर से दिख रहे हैं। इधर आओ, आनू। अरे मुंह लगा मुंह। बाप रे, बहुत ही बैठे हैं यार। आनू, आनू, आनू। हालू बैठ दिखे आपको? देखो सब उल्टे लटके पड़े हैं। मेरे को भी दिखाई दे रहा है। अरे बैठ दिखे, उल्टे लटके हुए हैं। बहुत ज्यादा बैठ लटके भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये केवलादेव का प्राचीन मंदिर है, इसी के नाम पे इस उद्यान का नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। वाओ, स्नेक बर्ड को देखो, अपने पंख सुखा रहा है। एक पैर में गीले हो गए थे पानी में जाके, ऐसे फैलाया हुआ है। मछली खाता है। बहुत हाँ,
छह खजूर के पेड़ों में चमगादड़ बैठे हुए हैं। अब ये टॉप व्यू है टावर से, हर पेड़ पे ऐसा लग रहा है जैसे वाइट फ्रूट्स लगे हुए हैं। कैसे लगा तुमको ये? बहुत अच्छा। अब हम रिक्शा से वापस वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर पार्किंग से फिर रेस्टोरेंट मतलब होटल जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर। हाँ बोलो। मेरे एक ऑर्डर में मैगी बना देना ठीक है, और मेरे लिए भी। ओके ओके।